कोई नहीं भाई, कोई बात नहीं। कैंडल जलाओगे माचिस मेरे पास, कहाँ से कैंडल लाइटर होगा? सो आज हमारे सबसे क्यूटेस्ट कंटेस्टेंट का बर्थडे है, हमारा क्यूटेस्ट शूटर है ये, सो हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम ट्रेन में तो तुम तो क्या हुआ, हमारे शूटर का बर्थडे है। मैं नहीं, आप खा लो। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। ये थोड़ा सा शगुन होता है, ज्यादा लगाना ना भाई। खूब तरक्की करो, बड़े शूटर बनो। फाइनली गाइस वी आर बैक टू हल्द्वानी। बहुत अच्छा मैच रहा, बहुत अच्छा सफ़र रहा, और भगवान की कृपा से सब अच्छा होके आज हम पहुंच चुके हैं हल्द्वानी। अब सब अपने अपने घर जा रहे हैं, पूरी टीम हमारी थकी टूटी मेहनत करके आई हुई। सो चलो अब चलते हैं और मिलते हैं अब घर पे। सो गाइज, अभी बज चुके दोपहर के दो, हम लोग सुबह पहुंच गए थे 8 बजे, और इतनी ज़्यादा थकान थी पूरे दो दिन की, हम दो दिन से कोई नहीं सोया था, ना स्टूडेंट सोए थे ना मैं सोए थे। एक्साइटमेंट थी, थोड़ा डर था, नर्वसनेस थी, तो बहुत सी बातें डिस्कशन होती रही रस्तों में, बिल्कुल कोई रात को भी नहीं सोया, दिन में भी नहीं सोया। सो आई गेस अभी आज सो ही रहे होंगे आके, तो मैं तो आके आज सुबह सो गई थी, और अब भी जस्ट उठी हूँ मैं 2 बजे, और वो समय आया है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इनफैक्ट किसी को भी नहीं पसंद, क्योंकि जो मेहमान हम 3 दिन पहले लाए थे अपने घर, आज उनके विदाई का समय आ चुका है। हम 3 दिन के गणपति जी की स्थापना करते हैं, सो आज गणपति विसर्जन है, और बिल्कुल मैं रेडी भी नहीं हुई हूँ, बस अब ऐसे ही चलेंगे। और इस बार बच्चों के मैचेस के वजह से मैं पूरा टाइम, जैसे मतलब हम यूजुअली बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन करते हैं, दिन रात कीर्तन करना और पूजा करना, मम्मी और निष्ठा घर पे थे तो सबने करा, बट मैं इतना पार्टिसिपेट नहीं कर पाई, जिस बात का मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख है, बट कोई बात नहीं, बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया तो वहाँ से खुशी भी बहुत ज़्यादा है, और उस बारे में मैं आके आपसे डिस्कशन करूँगी। फिलहाल अभी गणपति जी के विसर्जन का टाइम है, तो बस अभी थोड़ा काम है वो करते हैं, और मिलते हैं अब रास्ते में। पापा जी के विदाई का समय आ रहा है,
और जाने से पहले हम सब कान में उनसे एक एक विश मांगते हैं। ऐसे मान्यता है कि जब वो आते तो हमारे सारे विघ्न हर लेते हैं और सारी खुशियाँ देते हैं, जितनी भी हमारी मनोकामना वो पूरी होती है। तो जाने से पहले ये हम हर बार करते हैं कि हम उनके कान में अपने अपने विशेष बोलते हैं। सो अभी वही चल रहा है, आपकी बारी। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा। hey! तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा। देखेंगी तेरी राहें प्यासी प्यासी निगाहें, तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा, लौट के तुझको आना है। सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे जैन तब हमको पाना है। ओ, 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 गोरिया, 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 खुशियों के दिन हो के गम का जमाना, दिल बस लेता है नाम तेरा। तेरे ही कारण है जीवन सुहाना, तू ही तो मन में तमन में बसा। हर घड़ी ध्यान रहे तेरा, मैं हूँ तेरा चाहन वाला, जपता हूँ तेरी माला, तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा। लौट के तुझको आना है, सुन कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। ओ मोरिया 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 रे पप्पा, मोरिया 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 रे, मोरिया 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 रे पप्पा, मोरिया 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 रे। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा। मुझे मेरे पैर भी दिख रहे हैं। सो गणेश जी का विसर्जन हो चुका है और अभी नहर में बहुत अच्छा पानी आया हुआ है, तो हमने सोचा हम थोड़ी देर यहीं बैठ के थोड़ी मस्ती कर ले। सब भी आए हुए हैं, सो सब यहीं बैठे फोटो सेशन में लगे हुए, अपनी अपनी फोटो सेशन में लगे हुए यहाँ पे। और पानी बहुत ही ठंडा हो रहा है, दिन के 3 बज रहे फिर भी इतना ठंडा पानी हो रहा है। एक्चुअली इस साइड बिल्कुल भी धूप नहीं है और काले बादल भी बहुत ज़्यादा आए हुए ऊपर पहाड़ों के साइड, तो और ज़्यादा ही काले बादल हैं। तो बस अब 5 मिनट में चल पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे एकदम से पानी बहुत तेज़ आ सकता है, तो थोड़ा रिस्की है। लो पापा का बुलावा अभी आ गया, चलो चलो। सो अभी चलते और मिलते हम घर पर। तो गाइज अब बज चुके शाम के 6:30 और अभी मैं दोबारा सो के उठी हूँ,
क्योंकि दो दिन जैसे मैंने आपको बताया हम बिल्कुल सोए नहीं, बहुत ही हेक्टिक था, बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था। तो मतलब एक हफ्ता पहले तो हम यही सोच के डर रहे थे, मतलब टेंशन आ रहा था कि क्या होगा। जब मेरे को मैच की डेट पता चली और पता था कि 10 तारीख को ही गणेश चतुर्थी और 10 तारीख को ही मैच भी है, तो मतलब बहुत ही टेंशन हो गई कि क्या क्या करेंगे, कैसे होगा, क्या मतलब अरेंजमेंट, कैसे चीज़ें होंगी। बच्चों को मैच कराना भी इम्पॉर्टेंट था, उनको एक्सपोजर मिलेगा उनके आगे फ्यूचर के लिए, ऐसे मैचेस खेलना बहुत ज़रूरी होते हैं जिसमें आपको समझ आता है कि कैसे आप अपना प्रेशर हैंडल करते हो, मैच प्रेशर और जो डर है वो फियर है वो कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है आगे। सो वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट था और गणेश चतुर्थी भी ऑफकोर्स बहुत इम्पॉर्टेंट थी। तो बहुत ही टेंशन थी एक हफ्ते पहले तो, बट जब वो आ रहे तो हमें टेंशन लेने की क्या ज़रूरत होती है, अब समझ में आ रहा है मतलब कब ये टाइम बीता, और वो भी इतने पॉजिटिविटी से, इतनी खुशी से। मतलब कहीं कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं हुई, हमें लग रहा था कि हम कैसे क्या करेंगे, बट वो होता चला गया अपने आप ही, पता ही नहीं चला ये दो दिन कैसे और कब बीते। बस एक चीज़ का थोड़ा सा दुख है कि हम ज़्यादा टाइम यहाँ पे घर पे नहीं बिता पाए, बट जो भी था बहुत अच्छा लगा, वहाँ बच्चों के साथ भी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। आपने इससे पिछली वाली वीडियो में देखा होगा कितने मस्ती करते हुए हम गए हैं, और आई होप आपको वो वीडियो भी पसंद आई होगी और ये वीडियो भी। सो आज का व्लॉग बस यहीं एंड करती हूँ, आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और मिलते रहेंगे टाइम टाइम पे। तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप सपोर्टिंग, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और वंस अगेन अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।